चेन्नई की सड़कों पर ये युवा रिसाइकल हो सकने वाला प्लास्टिक बीनने निकले हैं। ये लोग वर्क फॉर प्लास्टिक नाम के अभियान से जुड़े हैं। इसका मकसद है प्लास्टिक कचरा न फैलाने के प्रति लोगों को जागरूक करना और प्लास्टिक प्रदूषण के नुकसानों के बारे में बताना। प्लास्टिक की बात हर कोई करता है, लोग कहते हैं कि हाँ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। गौतम के पीछे रखे ढेर में 80 किलो प्लास्टिक है जो उन्होंने अपने वॉलंटियरों के साथ मिलकर जमा किया। बतौर कलाकार वो बेकार सामग्री से सामाजिक कला रचते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य है अपनी कला के जरिए पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी का संदेश फैलाना। इसी कोशिश का एक हिस्सा है वॉक फॉर प्लास्टिक। मैंने 1 लीटर वाली बोतल के 45,000 ढक्कनों से अपनी एक कलाकृति बनाई किलर व्हेल नाम से। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्लास्टिक की जरूरत थी। मैंने नहरों, नालों, तटों और सड़कों से बेकार प्लास्टिक उठाया। वो प्रक्रिया बड़ी मजेदार थी। कूड़ा खत्म किया जाए और लोग अपना कचरा सड़कों पर ना फेंकें, इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि वे अपना कचरा खुद उठा लें। इसी विचार के साथ वॉक फॉर प्लास्टिक अभियान शुरू हुआ। आज वॉक फॉर प्लास्टिक 12 देशों में 10,000 से ज्यादा वॉलंटियरों वाला ग्लोबल नेटवर्क बन गया है। सड़कों पर फेंका हुआ ज्यादातर प्लास्टिक कचरा पैकेजिंग का होता है। वो कचरों के ढेर में पहुंचता है या फिर नालियों में पानी का रास्ता रोककर मॉनसून के दौरान बाढ़ का कारण बनता है। दूसरी तरफ सागरों में भी प्लास्टिक पहुंच रहा है। 2016 में भारत सरकार ने तय किया कि रिसाइकलिंग, रीयूज और डिस्पोजल के जरिए इस कचरे की जिम्मेदारी उत्पादकों, निर्यातकों और ब्रांड मालिकों की होगी। 2017 के शुरू में उन्हें एक कार्य योजना बनाकर देनी थी, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाएं प्लास्टिक निर्माताओं को जवाबदेह बनाने में नाकाम रहीं। तब से इस पर कोई अपडेट नहीं है। नतीजतन उपभोक्ता और नगर पालिकाओं को प्लास्टिक कचरे की सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, लेकिन वॉलंटियरों का कहना है कि कई लोग इसकी परवाह नहीं करते। लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं, सरकार ने इसके लिए लोग रखे हैं, तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन लोग हर जगह प्लास्टिक फेंकते रहते हैं। अगर मैं किसी जगह से प्लास्टिक उठाती हूँ तो वे फिर से कचरा कर देते हैं। कूड़ा फैलाने की आदत बदली नहीं है। लोगों के सामने डस्टबिन पड़ा होगा पर वो देखेंगे नहीं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी तो सबके लिए है, है ना? लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। गौतम और उनके वॉलंटियरों ने किसी पर निर्भर न रहने का फैसला किया। वो सड़कों पर निकलते हैं बदलाव के लिए, एक बार में भले ही एक प्लास्टिक की बोतल सही। मैं सारे काम संभालता हूं, जैसे कि डिजाइन, कंटेंट, डाटा मैनेजमेंट की टीमें हैं। हम ये भी देखते हैं कि आगे कचरा जमा करने कहां जाएंगे। हाय, कैसे हैं आप लोग? जगन बराबर अपनी टीम के संपर्क में रहते हैं। डेटा कलेक्शन का काम हो गया पूरा? पिछले हफ्ते 8 वॉक हुई थी और 28.9 किलो प्लास्टिक जमा हुआ था। कोयम्बटूर से गौरी और प्रिया शामिल हैं जो हर वॉक का डेटाबेस मेंटेन करती हैं। उनके साथ शामिल हैं रघुल मुथु कुमार, वो चेन्नई से हैं, और जय किशन जो इवेंट्स के लिए पोस्टर डिजाइन करते हैं। वॉक फॉर प्लास्टिक के पीछे एक टीम है। हम लोग जबरन किसी से काम नहीं करवाते। लोग खुद आकर कहते हैं कि हमारे पास ये स्किल है, इसलिए हम वॉक फॉर प्लास्टिक में आना चाहते हैं। जब ये लोग सफर में मेरा बोझ उठा लेते हैं तो जो झोला मैं उठाए चलता हूँ वो हल्का लगने लगता है। 4 साल के दौरान करीब 1,500 दिन की वॉक हो गई है और करीब 30 टन प्लास्टिक रिसाइकल के लिए जमा हो चुका है। हर वॉक के आखिर में वॉलंटियर प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कलेक्शन सेंटर में ले जाते हैं। दुकानदार प्लास्टिक का वजन करता है और पैसा सीधे वॉक फॉर प्लास्टिक के खाते में चला जाता है। जब वॉलंटियरों की तादाद ज्यादा रहती है तो बड़ी मात्रा में माल जमा होता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, और फिर प्लास्टिक बल्क में रिसाइकलिंग यूनिट को भेज दिया जाता है और ज्यादा मुनाफा मिलता है। अभी तक करीब 1.5 लाख रुपये जमा हो चुके हैं
और ये पैसा जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस भरने के काम आता है। और सिंगल पर्सन बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होगा, पहले मैं करूंगी, फिर मेरी देखा देखी मेरा दोस्त करेगा, मेरी कम्युनिटी बदलेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। हमें इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि एक ही तरह के लोग कचरा उठाएं। गंदगी हर कोई करता है तो सबको अपनी गंदगी उठानी चाहिए। वॉक फॉर प्लास्टिक जैसे नागरिक अभियान लोगों को जागरूक बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। गौतम और उनकी टीम मानती है कि सरकार को उत्पादकों के लिए बने कानून लागू करने चाहिए और कचरा निस्तारण की बेहतर तकनीकों में निवेश करना चाहिए, तभी शहर और जल स्रोत प्रदूषण मुक्त हो पाएंगे।